हमारे लड्डू भाई, मेरा मजा ऐसे जो आते हैं उसको चैलेंज करें, अगर एक भी बहुत अच्छा को अच्छा तो उसको बेगम बाजार में उल्टा कंधा से दाढ़ी काटने वाले। अब आपको कुछ बोलना चाहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कावन के नौजवानों में इतनी कमजोर आवाज, जो भी 2 साल बाद हम आपको जश्न मनाने का मौका मिला, इतनी कमजोर आवाज में नहीं चलेगा मेरे भाई। दरबार भाई सरकार की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस अवसर पर हम सब दरबार में समूह में दर्शन करने आए और मैं सभी मेरे नौजवान साथियों को, मेरी माताओं बहनों से एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, दरबार में सम्मान करें। हमें यह भी मानना है कि हमारे धर्म की रक्षा और हमारे देश की रक्षा और इस देश से कोरोना पूरा खत्म हो जाए, हर वेव रुक जाए, ऐसी हमें प्रार्थना करना है। हमारे दरबार में सम्मान करेंगे या नहीं, क्या बोल के कोरोना पूरा हमारा खत्म हो जा रहा है हमारे देश से, हमारे देश के नौजवान और हमारे देश के सभी लोग सुरक्षित रहे, हमें ऐसी प्रार्थना करना है। और कुछ टाइम कुछ दिन पहले एक हमारे गौरक्षक के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिए, क्यों? क्योंकि वो घायल के गाड़ी रुका रहा था, इसीलिए उनकी इतनी हिम्मत हुई। वहां पर एक कानून किया हमें छतरी पे उनका लगता के गाड़ी निकालेंगे बोलते, तो कुछ कुत्ते जो एमआईएम के कुत्ते हैं जो फोन करके डरा रहे हैं, मार डालेंगे तेरे को, काट डालेंगे तेरे को, किसके अम्मा के जन्म में इतना कम ही है। गद्दारों से हमारी लड़ाई है, हमारी लड़ाई कोई धर्म से कभी हो ही नहीं सकती, मगर जो कुत्ता भारत माता की जय बोलने से कतराता उसकी छाती का पैर रख के बोलेंगे और हमें देश की रक्षा करना है, भारत माता की रक्षा करना है, और हमारी माता है करेंगे राम हम सबको करना है। आज ये मंच है, को मौका दिया हमारे लगन भाई और लगन भाई के परिवार की युवा मोर्चा की टीम, मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जब जब भी धर्म की बात आती है ये मंच डालकर आप सब युवाओं का जोश बढ़ाते हैं और सबको बताते हैं सिर्फ दर्शन करना ही नहीं, हम सब हिंदुओं का कार्यक्रम भी लगाना है। तो आज बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा पूरे हमारे बीजेएम टीम की और हिंदू सेना टीम को, जो यहाँ पर बुला के हमारा इतना अच्छा सम्मान करके आज मौका दिया है, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इतना कमजोर आवाज में तो ऐसा नहीं आती, जय श्री राम, जय श्री राम। और हमारे मुकेश भाई कंटेस्टेड कॉर्पोरेटर का भी धन्यवाद देता हूँ, जो हर बार युवाओं को प्रचार करते हैं और जोश दिलाते हैं। धन्यवाद, जय श्री राम।